9 साल में परिचय हो गया है। मीडिया जो हमारे लिए अफवाहें फैलाता था कि हम आएंगे तो आपकी आइडेंटिटी चली जाएगी, आपकी भाषाएं चली जाएगी, उल्टा मोदी जी के आने के बाद लोकल लैंग्वेजेस और स्ट्रेंथी हो गई और मजबूत हो गई, अब प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में होने लगी है, और इतना ही नहीं कई सारी बोलियां जैसे मणिपुरी है, जैसे यहां की बोली है, त्रिपुरा की, कई सारी बोलियों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा है। बोडोलैंड में भी उनकी भाषा में प्राथमिक शिक्षा होने लगी है, तो उनकी आइडेंटिटी को और मुखर कर मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक भी राष्ट्रीय पर्व ऐसा नहीं है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों ने दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म नहीं किया है। उनके लिए देश भर के अंदर स्वीकृति बढ़ी है। नरेंद्र मोदी जी के लिए कई पत्रकार एनालिसिस करते करते आर्टिकल लिखते हैं तो मैं पढ़ता हूं कि भाई नरेंद्र भाई ने रोड कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने एयर कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने रेलवे से उत्तर पूर्व को जोड़ दिया। ये तो किया ही है प्रधानमंत्री जी ने, मगर प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम अगर किया है तो उत्तर पूर्व और बाकी के भारत के हिस्सों के बीच में जो मन की दूरी थी उसको समाप्त कर दिया है। आज उत्तर पूर्व के लोगों को मन से लगता है कि भारत के बाकी हिस्सों में हमारा सम्मान है, यहां भारत के लोगों का सम्मान हो।